भोपाल से खबर, जहां गोपीलाल जाटव को संगठन ने तलब किया है। क्रॉस वोटिंग करने वाले बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव को तलब किया है, पूछताछ की है उनसे। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने फटकार लगाई है, महामंत्री ने भी फटकार लगाई है और बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव ने इस मसले पर सफाई दी है कि ये सब कुछ गलती से हुआ है। बता दें आपको, मुलाकात के बाद पिछले दरवाजे से जाटव निकल गए। और चलिए रुक करते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त बिजली उपभोक्ताओं से संवाद कर रहे हैं। ये ऐसी बीमारी है जिससे बचना है तो जो पॉजिटिव आ गया है, जिसको संक्रमण हो गया है, उससे हर एक को दूर रहना पड़ेगा। और इसलिए आपने देखा कि कोई प्रियजन भी, परिवार का कोई सदस्य भी अगर संक्रमित हो जाए तो फिर उसके बगल में भी दूसरा सदस्य परिवार का नहीं जा सकता। पूरी दुनिया में भी, पूरे देश में भी और अपने प्रदेश में भी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि इस महामारी से बचने के लिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो वैश्विक नेता हैं, उन्होंने देश को इस महामारी से बचाने के लिए लॉकडाउन की अपील की, आह्वान किया और 24 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन जारी हो गया। अब लॉकडाउन का सीधा मतलब है कि कहीं कोई चीज ना जा सकती ना आ सकती, घरों से निकलना बंद हो गया और उसके कारण सारे काम धंधे, बिजनेस, व्यापार, रोजी रोटी के भी जो अवसर थे वो अवसर भी खत्म जैसे हो गए। इस बीमारी ने हमको घर रहने पर बाध्य कर दिया। बचने का तो एक ही उपाय, 2 गज की दूरी मतलब लगभग 6 फीट की दूरी आपस में रखो, चेहरे पर मास्क लगाओ, बार बार साबुन से हाथ धो। अब ऐसी परिस्थिति में एक दूसरे से ना मिलें, इसलिए दुकानें भी सब बंद हो गई। हमारे गरीब भाई बहन जो हाथ ठेला में, गुमटी में, छोटी मोटी दुकानों में अलग अलग सामान बेचते थे, दुकानें बंद हो गई, छोटी हो चाहे बड़ी हो, कारखाने बंद हो गए और हमको घरों पे ही रहना पड़ा। अब स्वाभाविक रूप से जब घर पे रहते हैं तो बिजली थोड़ी ज्यादा जलती है, टीवी भी खोल लेते हैं, लाइट भी जलती है, जब घर नहीं रहते तो लाइट बंद करके चले जाते हैं। और इसलिए मुझे ये जानकारी लगी कि बाद में जब बिजली के बिल आए तो बड़े बड़े आ गए। कई जगह मैंने पता किया, फिर बिजली विभाग के हमारे अधिकारी बैठे हैं, सीएस बैठे हैं, तो पता चला हां बिल तो बड़े आए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब काम धंधे चल नहीं रहे, रहना घर पर है और बड़े बड़े बिजली के बिल आ जाए, तो व्यवहारिक रूप से यह मुश्किल हो गई। कितने बड़े बिल भरे कैसे? और जब इस समस्या का पता चला तो हमने फिर तय किया, क्योंकि मैं तो खुद मुख्यमंत्री था उस समय, हमने संबल योजना बनाई पहले भी, और संबल योजना बना के तय किया कि बिजली के बिल बड़े नहीं आएंगे, छोटे आएंगे। संबल योजना के एक उद्देश्य था गरीबों को सस्ती बिजली देना, और मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूं, सस्ती बिजली गरीबों को दी जाएगी। गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय,
अच्छा संबल योजना में तो बिजली के बिल के अलावा बच्चों की फीस भरवाने का काम, बेटा बेटी जन्म ले तो जन्म लेने के पहले 4,000, जन्म लेने के बाद 12,000-16,000 रुपया देने का काम, बेटियों की शादी एक्सीडेंट में मौत हो तो पैसा 4 लाख रुपया देने का काम, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000। अब वो योजना बंद कर दी थी पिछली सरकार ने, मैंने फिर चालू कर दी। लेकिन जब बिजली के बड़े बिलों की समस्या आई तो हमने बैठक बुलाई और ये तय कर दिया कि गरीब जनता ऐसे समय जब काम धंधा भी बंद है बड़े बिजली के बिल नहीं देगी, नहीं दे सकेगी। अब नहीं देगी का मतलब ये नहीं है कि जनता नहीं दे तो फिर देगा कौन, सरकार को अपने खजाने से पैसा बिजली वालों को देना पड़ता है। और इसलिए हमने एक बड़ा फैसला किया, एक तो हमने ये फैसला किया कि तत्काल बिजली के बिल लोग नहीं दे सकते थे तो मार्च और अप्रैल के बिजली के बिलों के बिना सरचार्ज के भुगतान की तिथि बढ़ा के 15 देगी का मतलब ये नहीं है कि जनता नहीं दे तो फिर देगा कौन, सरकार को अपने खजाने से पैसा बिजली वालों को देना पड़ता है। और इसलिए हमने एक बड़ा फैसला किया, एक तो हमने ये फैसला किया कि तत्काल बिजली के बिल लोग नहीं दे सकते थे तो मार्च और अप्रैल के बिजली के बिलों के बिना सरचार्ज के भुगतान की तिथि बढ़ा के 15 मई कर दी थी, और कृषि उपभोक्ताओं को भी बिना सरचार्ज के बिजली की बिल जमा करने की तारीख 15 मई कर दी थी। घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता उनके भी स्थायी प्रभार को 15 मई तक के लिए डेफर कर दिया था। लेकिन इसके अलावा हमने तय किया कि मार्च 2020 की स्थिति में हमारे संबल योजना के गरीब वो हितग्राही जिनका अप्रैल महीने में 100 रुपये का बिल आया है उनसे अप्रैल मई और जून 3 महीने का बिजली का बिल केवल 50 रुपया लिया जाएगा, 100 रुपया भी नहीं केवल 50 रुपया, क्योंकि इस समय गरीबों से ज्यादा पैसे लेना यह उनके साथ न्याय नहीं था। और मैंने खुद बड़े बड़े बिजली के बिल जब मैं विरोध में था तब जलाए, उनकी होली जलाई थी, तो मैं कैसे बड़े बिजली के बिल लेने दूंगा। और ये 100 रुपये तक जिनका आया उनसे केवल 50 रुपया बिजली का बिल, और जिनका 100 रुपये का बिल आया, जिनको 100 रुपये का बिल मिला अप्रैल के महीने में, लेकिन मई जून जुलाई में 400 रुपये तक बिल हो गया, तो ऐसे 100 रुपये से लेके 400 रुपये तक के बिल वालों से हमने तय किया केवल 100 रुपया लिया जाएगा, हर महीने केवल 100 रुपया। और इसके अलावा अगर 400 रुपये से ज्यादा का बिल आया है तो उनसे केवल आधा बिल वसूल किया जाएगा। अब मैंने अभी जानकारी ली, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अप्रैल महीने में जिन उपभोक्ताओं का 100 रुपया बिजली का बिल आया है उनसे मई जून और जुलाई में केवल 50 रुपया लिया जाएगा, और इससे लगभग 56 लाख परिवार, 56 लाख उपभोक्ताओं को 255 करोड़ रुपए का लाभ है, क्योंकि वो हम सरकार की तरफ से फिर बिजली वालों को देंगे। लेकिन आपको केवल 50 रुपया बिजली का बिल